दोस्तों मोटरोला ने आज इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो G72 को लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़े हाईर साइड पे है। अब बड़े बड़े कीडर्स की आप वीडियो देखेंगे तो आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है, प्राइसिंग अच्छी है, बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग पर लॉन्च किया है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है प्राइसिंग थोड़ी हाईर साइड पे है। क्यों हाईर साइड पे है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जो आपको वो लेना चाहिए। इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल वो है, तो आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग बताई जा रही है 15,000 रुपये, आखिर वो कैसे घुमा फिरा कर प्राइसिंग जो है 15,000 रुपये बताई जा रही है, वो भी बताऊंगा। एक जस्ट एक प्रमोशन का पार्ट है कि 15,000 रुपये यहाँ पे प्राइसिंग बताकर इसे प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बैक एंड स्टोरी आपको समझाने वाला हूँ इस फोन से रिगार्डिंग, क्या कुछ आपको कैसे लेना पड़ेगा, कब से आप इसे परचेज कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ मोटो G72 से रिगार्डिंग। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपसे यहां पे जल्दी जल्दी जो है मोटो G72 के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे जो आपको 120 हर्ट्ज का एक पीओलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। डिस्प्ले यहां पे बहुत अच्छा यूज करा गया है जो कि 10 बिट वाला है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। अब यहां पे सामने की तरफ जो है पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाकर दिया गया है। बैक की तरफ जो है ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पर जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूज करा गया है। अभी कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मोटोरोला जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करिए इस प्राइस सेगमेंट में, आगे डिटेल में बात करूंगा इसके हम। अब दोस्तों यहाँ बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, आपको मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 4G चिपसेट है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन भी जो है 4G बन जाता है। एंड यहाँ पे जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, एंड ये स्मार्टफोन जो डुअल स्पीकर के साथ में आता है, ऑब्वियस है मोटोरोला का, तो बॉक्स देखने को मिलेंगे, एंड IP52 का रेटिंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये रही स्पेसिफिकेशन कहानी मोटो G72 की। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ आखिरकार इसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है। तो देखिए इंडियन मार्केट में सिंगल वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, जहां पे आपको देखने को मिलते हैं 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है एक्चुअल में जो ओरिजिनल प्राइस है वो रखी गई है 18,999 रुपये, मतलब 19,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी प्राइसिंग कैसे कम करी गई है, अब 19,000 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग रखी गई है, यहाँ पे आपको बैंक डिस्काउंट देखने को मिलते हैं 1,000 रुपये, तो 18,000 रुपये अब इसकी प्राइसिंग हो गई। अब यहाँ पे अगर आप ऑफर वगैरह में जो अभी सेल शुरू होने वाला है, दिवाली सेल कह सकते हैं, दशहरा सेल, उसमें अगर आप कोई फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वहाँ पे 3,000 का आपको और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक्सचेंज पर 3,000 का डिस्काउंट दिया गया है, तब आपको ये फोन देखने को मिलेंगे 15,000 रुपये में, 1,000 रुपये का डिस्काउंट और 3,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफर के तहत डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, तो 4,000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। तो 19 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो 15 बन जाते हैं, तो ऐसे करके इसकी प्राइसिंग जो है 15,000 नहीं कराते। जो प्रमोशन का पार्ट है कि भाई 15,000 नहीं बेच रहे हैं, पूरी डिटेलिंग बताइए ना कि 15,000 रुपये आप कैसे बेचेंगे इस स्मार्टफोन को, ये बताने में क्या शर्म आता है। बड़ा बड़ा लिख देते हो 14,999, अरे भाई बताओ 14,999 अच्छे तरीके से ओपनली बताओ कि 14,999 कैसे प्राइसिंग है यहाँ पे एक्सचेंज। अब सिंपल सी बात है ना, अब हर इंसान तो ऐसा नहीं होगा ना कि जिसको एक्सचेंज कर फोन लेना होगा, एक्सचेंज कर जिनको फोन लेना और 15,000 में पकड़ सकते हो तो बिल्कुल पकड़ लो, बिल्कुल पकड़ लो, 15,000 में बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। और जिनके पास मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास कार्ड है, उनको भी तो ये स्मार्टफोन 18,000 में पड़ेगा। देखो मतलब मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो 17,000 ज़्यादा इसकी प्राइसिंग तो जानी ही नहीं चाहिए थी, 17,000 एक बेस्ट प्राइसिंग रहती है, यहाँ पे 2,000 रुपये इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, 17,000 ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी इसकी प्राइसिंग। देखिए इसका ना बहुत एक डिमेरिट है बहुत बड़ा, ये एक 4G स्मार्टफोन है, पर बहुत सारे लोग के लिए ये एक जो होता है ना एक डील ब्रेकर हो सकता है कि भाई हमें 4G स्मार्टफोन नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी चिपसेट 5G यूज कर देती, Dimensity 800U यूज कर देती, बहुत अच्छी बात हो जाती, 5G फोन हो जाता है, और मैं कह सकता था उसके बाद कि एक अच्छा खासा पैकेज हमें देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पे हीलियो G99 एक बहुत अच्छा कैपेबल चिपसेट है, बट ये एक 4G चिपसेट है, और आज की डेट में कोई भी 4G फोन नहीं रहता, जैसे कि देखो ना कोई कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, वहाँ पे तो 5G अवेलेबल है, तो वहाँ पे ये स्मार्टफोन लेकर क्या करेंगे लोग, और नेक्स्ट ईयर के एंड तक तो 5G हर जगह अवेलेबल भी हो जाएंगे, कुछ जगह पे हाँ 2024 तक भी जाएंगे, बट हाँ नेक्स्ट ईयर के मैक्सिमम जगह जो है नेक्स्ट ईयर के एंड तक अवेलेबल हो जाएंगे,
और जो अगर 2 साल यूज़ करने के लिए फ़ोन लेना चाहता है तो फिर उसके लिए भाई 19,000 रुपये 18,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए बात ऐसा है ना कि 18-19 में हमें और दूसरी कंपनियां भी ना मोटोरोला भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है और 5G के साथ में, जैसा कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा मोटो S20 फ्यूजन के साथ में, जहां पे आपको सेम प्राइसिंग देखने को मिलती है 19,000 रुपये फिलहाल 6+128 के लिए, और ऑफर वगैरह ये स्मार्टफोन भी हमें 17-16 में देखने को मिल जाता है जी, जहाँ पे आपको एक 90Hz का एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। मानता हूँ कि 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट हाँ, मोटो S20 फ्यूजन में आपको यहाँ पे 5G फोन देखने को मिलता है, जहाँ पे यूज करा गया डायमेंसिटी 800U चिपसेट, जिस कारण स्मार्टफोन जो 5G बन जाता है, और 32 का सेल्फी भी देखने को मिल जाता है हमें मोटो S20 फ्यूजन में। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको लेना है यहाँ पे मोटो G72 एक 4G स्मार्टफोन। देखो अगर आप 1 साल बाद फोन चेंज कर रहे हो फिर आपको स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, देन आप जाकर ले सकते हो, 18 में भी ले सकते हो, फोन बुरा नहीं है, फोन ठीक है। बट मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है 5G अवेलेबल नहीं है इस स्मार्टफोन में, और जिनको 2 साल के लिए फोन चाहिए वो फिर ट्रैप में फंस जाएंगे। तो अगर आप ये माइंडसेट है आपका कि आप 1 साल यहाँ पे फ़ोन यूज़ करने वाले हो, और वो भी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे फिलहाल 5G अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल भी नहीं होगा अगले 1 साल तक, देन आप ले सकते हो इस स्मार्टफोन को, या फिर जिनको वाईफाई वगैरह पे फ़ोन यूज़ करना है ले सकते हो। बट जिनको 5G रिक्वायरमेंट है कि मैं 5G अगर मैं यूज़ करूँगा, 5G चाहिए, तो प्लीज़ आप ये स्मार्टफोन को मत लेना, आप जाकर ले लो यहाँ पे मोटो S20 फ्यूजन को। 20 फ्यूजन में भी आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है बिल्कुल, और वो भी एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है। तो ये रही मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, अब आपके पैसे हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप डिसाइड करो कि अब आपको क्या करना है। और हाँ, जिनको भी मोटो G72 लेना है वो जाकर ले सकते हो फ्लिपकार्ट से 12 अक्टूबर से जो इसका सेल शुरू हो जाएगा, तो आप जाकर ले सकते हो। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था मोटो G72 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन या ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ जाइए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे जैसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।